हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है करीम और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फोल्डर बनाना। फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर का नाम कैसे चेंज किया जाता है और उसका आइकॉन चेंज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए आप जहाँ भी फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप पर बना रहा हूँ तो मैंने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं न्यू आ रहा है, न्यू के ठीक सामने फोल्डर का आइकॉन है और इस फोल्डर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर देखिए दो हिस्सों में बटा होता है, एक पीले रंग का फोल्डर और ये एक नाम लिखने की जगह जहां लिखा है न्यू फोल्डर। आप जस्ट अगर आपका ये सिलेक्टेड है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टाइप कीजिएगा और आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे GLOBAL ग्लोबल लिखने के बाद बाहर में एक बार क्लिक कीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए, ये आपका हो गया। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं या आपका टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गया उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको रीनेम कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूं मैं। उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए, यहां देखिए रीनेम, रीनेम पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप नाम चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल इंफोसिस ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। सेम उसी तरह से बाहर क्लिक कीजिए एक बार और ये रिफ्रेश कर लीजिए तो ये आपका ग्लोबल इंफोसिस नाम से फोल्डर बन गया। चलिए अब बताता हूँ आपको कैसे इसका आइकॉन चेंज किया जाता है। तो ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइकॉन, फोल्डर आइकॉन। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए ध्यान से और प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में है कस्टमाइज। कस्टमाइज के ठीक नीचे आइए आप यहाँ पे चेंज आइकॉन, चेंज आइकॉन पे क्लिक करते ही आप देखिए अलग से विंडो खुल गया। इस विंडो के अंदर बहुत सारे आइकॉन्स के सैंपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत तरह के सैंपल्स है। मैं वापस यहाँ आ रहा हूँ तो जैसे कि मैंने नाम दिया ग्लोबल तो उसी से रिलेटेड मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है आइकॉन, माउस और ग्लोब दोनों बना हुआ है। इसको मैंने ओके किया, अप्लाई किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फोल्डर बन गया। अप्लाई पहले करके आप देख लीजिए कि कैसा दिख रहा है, अगर आपको पसंद है तो ओके कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप यहाँ चेंज आइकॉन में जाइए। और मैं ये दूसरा ले रहा हूँ ग्लोब के साथ जो कंप्यूटर का फोटो है उसको लिया मैंने, ओके अप्लाई पसंद है मुझे ओके, तो ये आपका एक फोल्डर बन गया। तो होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, और नहीं भी पसंद आया तो इसको डिसलाइक कीजिए। कमेंट में बताइए क्या कमी थी मेरे वीडियो में, मैं उसको आगे जाकर सुधारूंगा मैं। और हाँ दोस्तों, ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और साथ में आ रहे इस बेल को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोग को और कोई भी वीडियो मेरा आपसे मिस नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।